देवानाम प्रिय सम्राट प्रियदर्शी ने अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग देश पे विजय पाई। 150,000 जन का अपहरण हुआ, 100,000 का वध और उससे अधिक प्राणियों का मरण। परंतु कलिंग विजय उपरांत देवानाम प्रिय को घोर पश्चाताप हुआ। एक स्वाधीन देश के पराजय के परिणाम वध, मृत्यु, अपहरण, इससे अधिक उद्वेगजनक देवानाम प्रिय के लिए यह था कि वेदना, विनाश और प्रियजनों से विच्छेद सहने पड़े कलिंग वासियों को, जो आदर करते थे वरिष्ठ जनों, माता पिता अथवा गुरु आचार्यों का, आज यदि उसके 1% अथवा 1/100 भाग के मनुष्यों को कलिंग वासियों के समान वेदना उठानी हो तो ये देवानाम प्रिय के लिए अति दुख का विषय होगा। इस धर्म लेख के रेखांकन का एक विशेष कारण है। क्या? ये कि हमारा कोई भी पुत्र अथवा वंशज फिर से ऐसे विजय युद्ध की अभिलाषा न रखे जो केवल खड्ग के बल से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि धर्म विजय ही सरस विजय है। धम्म के आनंद में ही संपूर्ण आनंद है और उसी से इस लोक और परलोक दोनों में पुण्य प्राप्त होगा।